खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से आ रही है, जहां बिजली और सड़क की समस्या से ग्रामीण परेशान है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत छिदगांव कच्ची में सड़क और नाली पर बिजली न होने से उन्हें हमेशा गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गांव में स्कूल जाने वाले बच्चों के कपड़े भी कीचड़ से सने रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मुख्य सड़क पर 1 फीट से ज्यादा पानी होने से हमेशा गुजरने में काफी दिक्कत होती है। साथ ही सैकड़ों अवैध रेत डंपरों की वजह से जाम भी लगता है। गांव में नालियां न होने की वजह से गांव का सारा गंदा पानी सड़क पर जमा होकर तालाब में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम कई बार अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीहोर से चंदन सिंह भगवान की रिपोर्ट। साहब, इसकी शिकायत भी बहुत है, लेकिन पानी तो 24 घंटा यहाँ पानी चल ही नहीं सकता है। साहब, तो नाली आली नहीं बनी है? नाली कुछ भी नहीं बनी। सरपंच साहब ने वोट ले ली, कहने का अमर सिंह साहब तुम्हारी लाइन कर दूं और मतलब जो है नाली बना दूंगा, डीपी भी रख दूंगा, कुछ भी नहीं किया साहब, वोट लेकर भाग गए। इसका मामला ये है सर, यहाँ से वहाँ तक मतलब 1 किलोमीटर गांव के अंदर में अपनी जो बस्ती छिदगांव काछी के अंदर में, यहाँ से लेके वहाँ तक अभी तक इसका कोई नाली भी आई है, सब कुछ हुआ लेकिन बनी नहीं हुई अभी तक। तो इसलिए सबसे बड़ा शोषण हो रहा है कि रेत उत्खनन ज़्यादा हो रहा है। इसके मामले में भी जैसे कि ये इसको निस्तार वो होना चाहिए, नाली बनना चाहिए और इसके बाद में और कुछ तो इसमें पुलिया बन जाना चाहिए थी। या तो हो सके सरपंच सेक्रेटरी खा गए होंगे, या हो सके बनी नहीं होगी। क्या तो इतनी है कि बस पूछो मत, यहाँ पे जो पानी 12 महीने ये सब भरा रहता है, बारिश में तो फिर भी उसमें कमर कमर पानी आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि पूरा पानी रोड पे यहाँ रुक जाता है। पुलिया यहाँ डरी हुई है, लेकिन रोड वाले ने गड्ढा यहाँ पे कर दिया है, जबकि गड्ढा यहाँ पे आना था, यहाँ पे पुलिया डरी हुई है, लेकिन पुलिया को छोड़ के उसने रोड यहाँ पर बनाया, जो यहाँ पर गड्ढा कर दिया और यहीं पर पानी भरा रहता है। गाँव में पूरे में नाली नहीं है सर, नाली बनाई है तो उधर उधर बनी, इधर कोई नाली नहीं है सर। ये वो भी चौक पड़ी हुई है, नाली बनी जरूर पर वो भी चौक पड़ी हुई है। बाकी हमारे इधर तो नाली भी नहीं है। वो शिकायत तो साहब बहुत की है, आवेदन भी दिए इसके, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। यहाँ के क्या नेतागढ़ भी थोड़े कमजोर है हमारे गाँव के, इसलिए आज तक कोई शिकायत की सुनवाई नहीं हुई है। इसके बारे में हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, जो स्कूली बच्चे जाते हैं तो कहीं रेत के डंपर वगैरह वाहन उनको छींट देते हैं, बहुत भारी समस्या है। इसी प्रकार आप पूरे गांव का अवलोकन करेंगे ना, तो कई जगह ऐसा ही पानी का भराव मिलेगा और सड़कों पे गड्ढे, साइड में गड्ढे मिलेंगे। इसके बारे में कई बार हम सरकार से शिकायत कर चुके हैं, सरपंच वगैरह से शिकायत कर चुके हैं, इसका कोई निराकरण नहीं होगा। पर आबादी तो यहाँ की बहुत है, बस मगर ये खासकर क्या है, बच्चों को और ये बाइक वालों को परेशानी होती है, आम जनता को बहुत परेशानी होती है। अभी ऐसे एक गड्ढा भरा है, साइड से मान लो कोई बाइक लेके जा रहा है, रेत की गाड़ियाँ आती है, भारी वाहन आते हैं, उनको खींचते हुए निकल जाते हैं और यहाँ पर कई बार जो बाइक चालक है वो भी फैमिली के साथ गिर जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। सर अभी कोई डंपर वगैरह तो चलते रहते हैं, ना ठेकेदार ध्यान देता ना कुछ भी। अभी ये क्या मसला है, ठेकेदार का मसला है या फिर सरकार का मसला है, ये जानकारी तो हम लोगों को नहीं है।